मध्य प्रदेश निवाड़ी प्रतापपुरा में मौजूद है। यहाँ 17 नवंबर है, मतदान हो रहे हैं। बगल में स्कूल है, आपको बता दें। अभी हम अंदर इंक्वायरी करके आए पीठासीन अधिकारी से, उन्होंने बताया कि 691 की वोटिंग है और अभी तक 2:35 हो चुके हैं और अभी तक 400 वोट मतदान हो चुका है। इसका यह साफ साफ हो रहा है कि लोग बाग प्रतापपुरा के भी घर से निकल रहे हैं। और इससे अधिक जानकारी बता दूं, ग्राम कुलगुआ के अंदर अभी अभी झगड़ा हो चुका है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। अब किस बात को लेकर झगड़ा हुआ इसकी पुष्टि अभी तक हमको नहीं मिली, परंतु प्रतापपुरा पर मौजूद है जनता। जो बब्बा डारिया वोट, बब्बा वोट डारिया है जो बताओ, ईमानदारी चल रही तो कौन घोल मेल चल रहा? हमारे हिसाब से ईमानदारी चल रही। साक्षी बताओ, साक्षी बता रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं है? परेशान तो कोई कर नहीं रहा हूँ, कोई एजेंट तो नहीं फिर रहा है अंदर समझावे बुझावे के लिए? कोई नहीं फिर रहा है। सुबह कोई बटे तो नहीं है? पौआ मऊआ नहीं बटे? अरे ना हम उन चक्कर में पड़ा, ना हमें नहीं पड़ा चक्कर में। तुम बताओ बच्चा कैसे अंदर ईमानदारी से डर रही? ईमानदारी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं आ रही कोई? सब बढ़िया ईमानदारी? सब बढ़िया ईमानदारी। तुम बताओ चाचा कोई सब एक नंबर बूट रहे? एजेंट कुछ सिखा तो नहीं? नहीं कोई नहीं सिखा, कोई नहीं सिखा रही ईमानदारी? हाँ कौन ही सिखा रही है? तो बता बच्चा कैसी का? नहीं बढ़िया बढ़िया, शांति से चल रहा, बढ़िया शांति चल रहा। हमारे बीच में भाभी आ गई, इनसे जाने। भाभी कैसी ईमानदारी से वोट डाल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा आ रहा है, अच्छा आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? इससे पहले 5 साल पहले? पहले भी डाल चुके हैं। क्या कहना चाहूंगी, आपका मतदान है, लोगों से क्या अपील है कि लोग घर से निकले? लोग कहा नहीं निकलते जनिमान से? बताओ जी आ गई, देखो अम्मा वोट डाल में जा रही। अम्मा रोटी खा के आए कि ऐसी वोट डाल में जा रही? खाना खा के आए। खाना खा के डाए? तुम बताओ भाई का क्या हुआ? तुम बोलो वोट डाल में? वोट डाल में जाने पर तब पुरानी जनता निरंतर कर रही है, लोग बता रहे हैं शांति पूर्वक चुनाव हो रहा अंदर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ? नहीं ईमानदारी चल रही है, ईमानदारी चल रही है, लड़ाई में झगड़ा? हाँ। इस साइड हम कैमरा घुमा सकते हैं, जो अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कहीं भाजपा कहीं कांग्रेस कहीं समाजवादी पार्टी के अलग अलग गुट बना के अपने अपने लोगों को समझाने व प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार का विधायक कैसा होना चाहिए। बता दें 691 की वोटिंग पर 400 वोट डल चुके हैं प्रतापपुरा क्रमांक पर स्कूल के अंदर। और आपको बता दें करीब 2:35 हो चुके हैं, अच्छी खासा यहाँ पर वोटिंग का रिजल्ट सामने आ रहा है। लोग बाग घर से, चाहे महिला पुरुष युवा साथी हो, घर से निकलकर अपना मतदान कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।